गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलिवर ट्विस्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि ओलिवर ट्विस्ट जो है हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में भी है, और ओलिवर ट्विस्ट की अगर बात की जाए तो ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखा है, सर्वप्रथम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओलिवर ट्विस्ट जो है ये किसका वर्क है, किसकी क्रिएशन है, ये चार्ल्स डिकिंस की है। चार्ल्स डिकिंस की क्रिएशन है, और चार्ल्स डिकिंस जो कि एक नोबलिस्ट हैं, ठीक, एक फेमस नोबलिस्ट रहे हैं। इनके लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम इनका लाइफ स्पैन अगर बात करें तो 1812 से लेकर 1870 तक रहा है। 7 फरवरी को इनका जन्म होता है, 7 फेब को इनका जन्म होता है, 7 फेब 1812 को इनका जन्म हुआ है। और जन्म कहाँ पे हो रखा है, लैंड पोर्ट में हो रखा है, पोर्ट्स माउथ करके, ठीक। और डेथ इनकी हो रखी है, इनकी अगर डेथ की बात करें तो 9 जून करके है, डेथ इनकी 9 जून को हो रखी है, 9 जून 1817 में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए तो 1812 से लेकर 1870 तक रहा है, और डेथ कहाँ पे हो रखी है, हिगम कैंट करके जगह है एक, वहाँ पे इनकी डेथ हो रखी है। इनके फादर का नाम जॉन डिकिंस है और मदर का नाम एलिजाबेथ डिकिंस, वाइफ जो है कैथरीन थॉम्सन होगार्ट करके हैं, ठीक। तो अगर बात की जाए ओलिवर ट्विस्ट जो लिखा है, ये किसने लिखा है, चार्ल्स डिकिंस ने लिखा है। चार्ल्स डिकिंस का सेकंड वर्क इसको माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट वर्क जो है इनका पिकविक पेपर्स करके, आपने सुना होगा पिकविक पेपर्स करके, इनका पहला वर्क है द पिकविक पेपर्स करके, पिकविक पेपर्स करके इनका पहला वर्क है। किसका, चार्ल्स डिकिंस का जो फर्स्ट वर्क है वो कौन सा है, पिकविक पेपर्स करके है, जो कि 1837 में आया हुआ है, 1837 में पब्लिश हुआ है, जो कि पिकविक पेपर्स। और 1838 में जो है ओलिवर ट्विस्ट करके है, 1838 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक हमने यहाँ पर कंपेयर कराते हुए, इससे पहले भी हमने बताया था जब हमने मुल्कराज आनंद की बात की थी, तो चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, मुल्कराज आनंद को जाना जाता है। मुल्कराज आनंद को चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुल्कराज आनंद को क्या कहा जाता है, चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया। इनका जब हम अनटचेबल वर्क जो कि उत्तराखंड एलटी में है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, और ऑटोबायोग्राफी इनकी जो बायोग्राफी है तो उसके बारे में भी हमने वहाँ पे बात की हुई है। मेन मेन पॉइंट्स जो है मुल्कराज आनंद के बारे में वो भी वहाँ पे बताए हुए हैं, अगर आपने वॉच नहीं किए तो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट वन से रिलेटेड भी वीडियोज यहाँ पे बनाई गई हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी आपको, उत्तराखंड एलटी की प्लेलिस्ट अलग से यहाँ पे बनाई है हमने। अब इसमें बात करें चार्ल्स डिकिंस के ओलिवर ट्विस्ट की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ट्विस्ट आ रहा है, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़, अगर बात करें तो ट्विस्ट आना, कहानी में ट्विस्ट आ गया बोलते हैं। अब यहीं पे ट्विस्ट से एक और पॉइंट हम कंपेयर करा रहे हैं, मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट किसको कहा जाता है, मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट किसको कहा जाता है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट। अगर आप एलटी के साथ साथ अगर लेक्चरर की भी प्रिपरेशन कर रहे हों तो ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट किसको कहा जाता है, ओ हेनरी को कहा जाता है, ओ हेनरी यानी कि विलियम सिडनी पॉटर, ठीक है, विलियम सिडनी पॉटर, द लास्ट लीफ वाले, द गिफ्ट ऑफ मैजाई वाले, ठीक है, द गिफ्ट ऑफ मैजाई वाले, ठीक। और इसके अलावा बात करें तो द लास्ट लीफ करके क्लास 9th में आपने एक इनकी क्रिएशन देखी होगी, ठीक है। तो इनको मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट कहा जाता है क्योंकि लास्ट में जो इनके जो वर्क्स की एंडिंग होती थी वो सरप्राइजिंग एंडिंग रहती थी, ठीक है, इसलिए इनको मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट भी कहा जाता है। किसको, ओ हेनरी को, ओ हेनरी यानी कि विलियम सिडनी पॉटर। अब आ रहे हैं हम ओलिवर ट्विस्ट की बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्या है, इसको बोलते हैं टिटुलर, ठीक है, टाइटुलर बोले या टिटुलर बोले जो बोले आप, जो इसका प्रोनाउंसिएशन आप करें, तो टाइटुलर टाइटल से बना है, टाइटल से बना है। यहाँ पे जो ओलिवर ट्विस्ट है वो आपको एक कैरेक्टर के रूप में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट के बारे में ही ये स्टोरी है, तो इसको टाइटुलर बोल सकते हैं आप, ठीक। और इसके अलावा एक और आपने वर्ड सुना होगा, रोमेंडे क्लैफ क्या होता है ये आप बताएंगे, ठीक है, रोमेंडे क्लैफ क्या होता है ये आप बताएंगे। और ये हमने यहाँ पे जब हम कंपेयर करा रहे थे टिटुलर करके, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट की बात चल रही थी, तो ओलिवर ट्विस्ट का पब्लिश हो रखा है हमने बताया 1838 में, 1838 में ये वर्क इनका पब्लिश हो रखा है, और सेकंड इनका नोवेल है, ठीक। तो पहले नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें देख लेते हैं, व्हाट वॉज द बिल्डिंग कॉल्ड वेयर पुअर पीपल विद नो मनी एंड नो वेयर टू लिव रिसाइडेड। तो
व्हाट वॉज द बिल्डिंग कॉल्ड, तो बिल्डिंग किस नाम से जानी जाती थी जहाँ पे पुअर पीपल क्या करते थे, जिनके पास ना तो पैसा था एंड नो वेयर टू लिव रिसाइडेड, यानी कि जिनके पास ना पैसा था ना खाने के लिए था, ठीक है, पुअर पीपल थे वो रहते थे, उस बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता था, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, वर्क हाउस या प्रिजन, चार ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्क हाउस के नाम से उसको जाना जाता है। वेयर वॉज ओलिवर ट्विस्ट बोर्न, सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेयर वॉज ओलिवर ट्विस्ट बोर्न, तो ओलिवर ट्विस्ट का जन्म कहाँ हुआ था, हॉस्पिटल में, ऑर्फनेज में, वर्क हाउस में, प्रिजन में, चार ऑप्शन हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्क हाउस इसका, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्क हाउस जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, व्हाट डिड ओलिवर्स मदर विश टू डू बिफोर डाइंग, तो ओलिवर की मदर जो है क्या विश करती है उन अपनी मृत्यु से पहले, ठीक है, तो क्या उनकी इच्छा रहती है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास चार है, सी हर चाइल्ड, टॉक टू डॉक्टर, टॉक टू दी डॉक्टर, लीव दी वर्क हाउस, गेट मैरिड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ें, तो सी हर चाइल्ड यानी कि अपने चाइल्ड की केयर के लिए विश करती है, ठीक है, कि उनके उनका जो चाइल्ड है यानी कि कौन, ओलिवर ट्विस्ट की बात चल रही है यहाँ पे। अब ओलिवर ट्विस्ट हम बात कर रहे हैं, तो ओलिवर ट्विस्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका सब टाइटल क्या है, सब टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस करके, सब टाइटल आप नोट डाउन कर सकते हैं, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस करके है इसका सब टाइटल, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, जो पेरिस का जो बॉय है उसकी प्रोग्रेस, ये आपको कुछ ये टाइटल एक टाइटल से मिलता जुलता लग रहा होगा, दी पेरिस बॉयज जो है प्रोग्रेस करके इसका सब टाइटल है, और इसका जॉनरा क्या है, ये एक सोशल नोवेल है, सॉरी सीरियल नोवेल है, क्या है, सीरियल नोवेल है, सोशल तो अभी बात करेंगे हम, सीरियल नोवेल है, ठीक है, सीरियल नोवेल है, जो कि अगर बात की जाए जो पब्लिश हुआ था सीरियलाइज्ड अगर फॉर्म में करें तो 1837 से 1839 के बीच में, 1837 से 1839 के बीच में, लेकिन एक बुक फॉर्म में ये जो पब्लिश हुआ, बुक फॉर्म में कब पब्लिश हुआ, 1838 में, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक, 1838 में तो पब्लिकेशन पूछा जाता है, तो अब 1830 करेंगे, ठीक है। और सेकंड नोवेल है किसका, इंग्लिश ऑथर है चार्ल्स डिकिन्स, उनका ये सेकंड नोवेल है, ठीक। तो बॉयज प्रोग्रेस की हम बात कर रहे थे, दी पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, एक आपने ऐसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस करके सुना होगा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस करके एक वर्क सुना होगा, वो किसका वर्क है, आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए दीजिएगा, अगर आप इसका आंसर जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, सी हर चाइल्ड करके था क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नेक्स्ट है, हु ट्राइज टू रीअश्योर ओलिवर मदर, तो कौन जो है रीअश्योर करने की कोशिश करता है यहाँ पर, किसकी मदर को, ओलिवर की मदर को। हु ट्राइज टू रीअश्योर ओलिवर्स मदर एंड एडवाइसेस हर नॉट टू टॉक अबाउट डॉइंग, कौन यानी कि आश्वासन दिलाता है ओलिवर की मदर को और सलाह भी देता है कि वो मरने के बारे में बात ना करें, डॉक्टर, ओलिवर, द ओल्ड वुमेन और मिस्टर बम्बल, तो चार ऑप्शन हमारे पास है, और तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द ओल्ड वुमेन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, उससे पहले थोड़ा हम यहाँ पे हमने कहा है कि मेन मेन पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो इसमें अगर बात की जाए तो चार्ल्स डिकिन्स एक पेन नेम यूज करते थे, पेन नेम को बोलते हैं स्यूडोनिम, क्या बोलते हैं, पेन नेम को बोलते हैं स्यूडोनिम, और स्यूडोनिम ये क्या यूज करते थे, बॉज करके करते थे, ठीक है, बॉज, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बॉज जो है स्यूडोनिम किसका है, पेन नेम किसका है, तो चार्ल्स डिकिन्स का है, और पेन नेम को ही और भी एलियाज भी बोला जाता है, ये तो आपको पता होगा, अन्य नेम है इसके, स्यूडोनिम बोल सकते हैं, पेन नेम बोल सकते हैं, ये अन्य नेम है इसके। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फिफ्थ है इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मेन मेन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। व्हाट वाज द डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन अबाउट ओलिवर्स मदर, तो डॉक्टर का क्या ऑब्जर्वेशन रहा ओलिवर की मदर के बारे में, सी वॉज रिच, सी वॉज अगली, सी वॉज अ डॉक्टर, सी वॉज अ मैरिड, चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हमारा हो जाएगा, तो सी वॉज अ मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, व्हाट डज द डॉक्टर डू बिफोर लीविंग, डॉक्टर क्या करता है जब वहां से वो निकलता है यानी कि जाता है, कहने का मतलब है, गिव्स मेडिसिन टू ओलिवर्स मदर, टेक द बेबी अवे, पुट्स ऑन हिज हैट एंड ग्लव्स,
क्लीन्स द रूम। तो हमें आंसर बताना क्वेश्चन नंबर सिक्स का, और क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा पुट्स ऑन हिज कैट एंड ग्लव्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो मेन मेन करेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि करेक्टर्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे हम करेक्टर्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो करेक्टर्स की अगर बात की जाए तो इसमें करेक्टर जो हैं, अब मिस्टर बम्बल करके तो आपने नाम सुना ही होगा अभी, ठीक। ओलिवर ट्विस्ट हैं, ओलिवर ट्विस्ट के नाम पे तो ये ठीक है, ये नोवेली है, ये स्टोरी है ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट। अब ये ओलिवर ट्विस्ट नाम कौन देता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक। ओलिवर ट्विस्ट इनको नाम कौन देता है, ओलिवर ट्विस्ट क्या है, एक ऑर्फन चाइल्ड है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, एन ऑर्फन चाइल्ड, ठीक। इनकी माता जी यानी कि मर जाती है, फादर के बारे में तो इसमें जिक्र हुआ ही नहीं है। तो हुज मदर डाइड एट हिज बर्थ, जिनकी यानी कि ओलिवर ट्विस्ट की मदर इनके जन्म के समय ही मर जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें मिस्टर बम्बल करके हैं, मिस्टर बम्बल, ठीक। तो ये क्या है, एक वीडल हैं, चर्च ऑफिसर जिनको बोला जाता है वीडल, चर्च ऑफिसर, ठीक है, वीडल करके हैं इन दी पेरिस वर्क हाउस। पेरिस वर्क हाउस में एक वीडल करके होते हैं, वेयर ओलिवर वॉज बोर्न। पेरिस वर्क हाउस में इनका जन्म हुआ था, पेरिस बॉयस प्रोग्रेस इसीलिए कहा गया इसको, ठीक है। पेरिस पेरिस वर्क हाउस में क्या है, एक वीडल हैं ये, और जहाँ पे चार्ल्स डिकिन्स का जन्म हुआ था मिस्टर बम्बल करके। और नेक्स्ट करेक्टर्स की बात करें यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे पास है मिस्टर सोरबरी करके है, ये भी आपने सुना होगा सोरबरी करके। और ये क्या है, एक अंडरटेकर है हु टुक ओलिवर एज एन अप्रेंटिस, जो इसको ले जाते हैं, कहने का मतलब है ओलिवर को किसके लिए, अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिस के रूप में। अंडरटेकर है, अंडरटेकर यानी कि आपको पता होगा अंडरटेकर किसको कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फनरल या जो किसी की डेथ हो जाती है तो उसको दफनाने के उसमें काम करता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अंडरटेकर। इसके अलावा सैलेट करके हैं एक कैरेक्टर, इसमें सैलेट से आप सैलेट ब्रोंटी के बारे में, स्टॉर्मी सिस्टरहुड के बारे में आपने सुना होगा। सैलेट, सैलेट यहाँ पे क्या है, सोवरवरीज मैड हैं, सोवरवरी जो है इनकी मैड हैं, ठीक है, इनकी क्या है, मैड हैं, ठीक, मैड सोवरवरी मैड लवर ऑफ नो, यानी कि सोवरवरीज मैड लवर ऑफ नो करके है, ठीक है, सोवरवरीज मैड लवर ऑफ नो, नो करके भी आपने सुना होगा, नो करके भी हैं एक कैरेक्टर्स में, ठीक, नो, एन ओ ए एच। अब यहाँ पे नो की बात आ रही है तो नो से एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, नो ड्रामा करके आपने सुना होगा, जैपनीज ड्रामा को नो ड्रामा और पोएट्री को क्या बोला जाता है, हैकू। ये दो पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा सैलेट की बात कर ली हमने, मिस्टर मिस्टर ब्राउन, ब्राउन लो करके भी हैं, ब्राउन लो, मिस्टर ब्राउन लो करके भी हैं, ठीक है, ये एक काइंड जेंटलमैन है जो क्या करते हैं, टेक्स ओलिवर इन हिज फर्स्ट बेनिफैक्टर, यानी कि टेक्स इन करते हैं, यानी कि अपने साथ रखते हैं, कहने का मतलब किसको, ओलिवर को, ओलिवर ट्विस्ट की बात चल रही है। एक मेन कैरेक्टर आपने सुना होगा इसमें फेजिन करके, फेगिन भी बोला जाता है इसको, फेजिन, ठीक, ये क्या करता है, ये फैंस एंड बॉस ऑफ अ क्रिमिनल गैंग, एक क्रिमिनल गैंग का क्या होता है, बॉस होता है, बॉस ऑफ क्रिमिनल गैंग, बॉस होता है किसका, क्रिमिनल गैंग का, जो ट्रेनिंग देता है किसकी, पिक पॉकेट की, ठीक है, पिक पॉकेट की, यंग बॉयज का, यंग बॉयज के गैंग को, बॉयज एंड गर्ल्स के गैंग को क्या करता है, पिक पॉकेट यानी कि पॉकेट मारने की ट्रेनिंग देता है। अन्य करेक्टर्स को आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, यहाँ पे जो सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्रेसिंग द बेबी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ड्रेसिंग की बेबी के, डॉक्टर, ओलिवर्स मदर, ओल्ड वुमेन, मिस्टर बम्बल। चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवंथ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ओल्ड वुमेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम डज मिस्टर बम्बल असाइन टू द बेबी,
जो मिस्टर बम्बल हैं वो क्या नाम देते हैं बेबी को, यानी कि बच्चे को जिसकी बात चल रही है ओलिवर ट्विस्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। हमने कहा कि कौन देता है ये नाम, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ओलिवर ट्विस्ट नाम कौन देता है इस लड़के को, तो मिस्टर बम्बल करके देते हैं, ठीक है। मिस्टर बम्बल जिनके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बीडल होते हैं कहाँ पे, पेरिस वर्क हाउस में, जहाँ पे चार्ल्स ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ रहता है। हाउ ओल्ड इज ओलिवर व्हेन ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ पेल थिन चाइल्ड, तो कितने साल का रहा उस टाइम, यानी कि कितने साल के थे ओलिवर ट्विस्ट के, इनका मतलब है जब इनको पेल और एक थिन चाइल्ड के रूप में इनको बताया गया कि ये पेल, पेल का मतलब है पीले, बिल्कुल लैक ऑफ ब्लड बोल सकते हैं, लैक ऑफ एनर्जी, पेल एंड वीक करके आपने पढ़ा होगा क्लास ट्वेल्थ में, जब माई मदर 866 जो पोम है उसमें ये वर्ड आते हैं। तो थिन चाइल्ड के रूप में इनको कब डिस्क्राइब किया गया, जब ये 6 साल के थे, 9 के थे, 12 के थे, 15 के थे, चार ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर हो जाएगा बी, जब ये 9 साल के थे, ठीक है, तब इनको डिस्क्राइब किया गया पेल एंड थिन चाइल्ड करके। अब बात चल रही थी यहाँ पे, हमने बात की थी 1812 से रिलेटेड, 1812 टू 1870 ये लाइफ स्पेन था किसका, चार्ल्स डिकिंस का। यहीं पे एक पॉइंट हमें याद आ गया जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1812 में ही एक और हमारे ऐसे पोएट हैं जिनको ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है, उनका भी जन्म हो रखा है। तो 7 मई को उनका जन्म हो रखा है, 7 मई को जन्म हो रखा है 1812 में, किसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात चल रही है, और 12 दिसंबर को इनकी डेथ हो जाती है, 12 दिसंबर 1889 को इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये बात चली 1812 से लेके 1889, किसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात कर रहे हैं हम, कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं जो, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, और ये है चार्ल्स डिकिंस का, ठीक, चार्ल्स डिकिंस। और एक और हमारे जो है पोइट हैं, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट कहा जाता है इनको, 1809 में इनका जन्म हो रखा है, 1892 में इनकी डेथ हो जाती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, 1809 में जन्म होता है और 1892 में इनकी डेथ हो जाती है, और ये बनते हैं 1850 से लेके 1892 तक पोइट लॉरेट, कौन, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात चल रही है। और 1843 से 1850 तक कौन रहते हैं, ये रहते हैं, अगर पोइट लॉरेट यहाँ पे बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट आर दी वर्क हाउस बॉयज गिवन टू ईट, तो क्या दिया जाता है खाने के लिए वर्क हाउस के बॉयज को, जो वहाँ पे रहते हैं वर्क हाउस, फिर इस वर्क हाउस में जो लड़के रहते हैं उनको खाने के लिए क्या दिया जाता है, 3 meals ऑफ थिन सूप एवरी डे, तो रोस्ट चिकन एंड ब्रेड, पिज्जा एंड आइसक्रीम, बर्गर्स एंड फ्राइज करके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हमें बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 meals ऑफ थिन सूप एवरी डे, यानी कि भरपेट खाना भी इनको नहीं मिलता वहाँ पे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये नोवेल तो आप अच्छे से जो है इनके आंसर दे पाएंगे। व्हाट डू दी बॉयज यूज टू क्लीन दियर बाउल्स, तो बॉयज क्या करते हैं अपने बाउल्स को क्लीन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 11th में हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास चार है, हम सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाट डू दी बॉयज यूज टू क्लीन दियर बाउल्स, दियर स्पूंस, क्या यूज करते हैं, डियर स्पून्स। हु इज चूजन टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, हु चूजन, किसको चूज किया जाता है ये मांगने के लिए कि थोड़ा और अधिक सूप मांगने के लिए किसको चुना जाता है मास्टर से, तो ओलिवर ट्विस्ट, मिस्टर बम्बल, द डॉक्टर और द ओल्ड वुमेन, चार ऑप्शन हमारे पास है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओलिवर ट्विस्ट की कहानी है, तो आप भली भांति परिचित होंगे ओलिवर ट्विस्ट, और इसके लिए इनको पनिशमेंट भी दी जाती है क्योंकि खाना इनको भरपेट नहीं मिलता, तो इनको चूज किया जाता है कि ये थोड़ा और अधिक भोजन मांगें। हाउ डज द मास्टर रिएक्ट व्हेन ओलिवर आस्क फॉर मोर सूप, तो मास्टर कैसे रिएक्ट करता है जब ओलिवर जो है मोर सूप वहाँ पे उसकी डिमांड करते हैं, ही गिव्स हिम मोर सूप, ही लाफ्स एंड वॉक्स अवे, ही हिट्स ओलिवर्स विद अ पर्सन,
ही आस्क्स फॉर आस्क्स फॉर हेल्प फ्रॉम मिस्टर बम्बल। चार ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। ही ईट्स ओलिवर विद अ पर्सन। इसके लिए प्रिजन वर्ड भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही हिट्स ओलिवर विद अ पर्सन करके हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, यानी कि इनको पनिशमेंट दी जाती है, किसको, ओलिवर ट्विस्ट को। तो हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो यहाँ पे जो हमारे, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्लियर हो जाएगा इसका। व्हाट पनिशमेंट डज ओलिवर रिसीव फॉर आस्किंग फॉर मोर सूप। जब अधिक सूप की डिमांड करते हैं ओलिवर ट्विस्ट, तो उनको किस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। ही इज़ गिवन एक्स्ट्रा सूप, ही इज प्रेस्ड बाय मिस्टर बम्बल, ही इज लॉक्ड इन अ डार्क रूम, ही इज रिवॉर्डेड विद मनी। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी। ही इज लॉक्ड इन अ डार्क रूम, एक डार्क रूम में उनको बंद कर दिया जाता है, ये पनिशमेंट उनको मिलती है, ठीक है। हु मीट मिस्टर बम्बल आउटसाइड दी वर्कहाउस गेट। तो कौन मिलता है आउटसाइड दी वर्कआउट गेट, यानी कि वर्कहाउस गेट के बाहर कौन मिलता है, हु मीट मिस्टर बम्बल, बम्बल से कौन मिलता है। ओलिवर्स मदर, मिस्टर सोवरबेरी, डू फॉर अ लिविंग, द डॉक्टर, द ओल्ड वुमेन। चार ऑप्शन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्टर सोवरबेरी डू फॉर अ लिविंग। वट डज मिस्टर सोवरबेरी डू फॉर अ लिविंग, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का आंसर बताना है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही मेक्स कॉफिन, ही इज अ फार्मर। तो लिविंग के लिए यानी कि जीविका के लिए सोवरबेरी क्या करते हैं, कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही मेक्स कॉफिन। कॉफिन का मतलब मे बी ताबूत होता है, ताबूत बनाने का काम करते हैं। व्हाट डज मिस्टर बम्बल आस्क मिस्टर सोवरबेरी अबाउट। तो मिस्टर जो है बम्बल, व्हाट डज मिस्टर बम्बल आस्क मिस्टर सोवरबेरी अबाउट, मिस्टर सोवरबेरी से किस बारे में पता करते हैं, किस बारे में पूछते हैं, कहने का मतलब है मनी या क्या मांगते हैं, कहने का मतलब कॉफिन, ओलिवर ट्विस्ट, द वर्क हाउस गेट नोटिस। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा द वर्क हाउस गेट नोटिस, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, कैरेक्टर्स में हमने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे बताए हुए थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर और भी हैं मेन में जो जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। बिल एक बिल साइक्स करके होता है, बिल साइक्स करके कुछ कैरेक्टर हमने ऑलरेडी बता दिए। इसके बाद बिल साइक्स होते हैं, एक प्रोफेशनल बर्गलर होते हैं, प्रोफेशनल बर्गलर होते हैं। एक अगर बात की जाए, एक कैरेक्टर और इसमें इम्पोर्टेंट है जो आर्टफुल ड्रजर के नाम से जिसको जाना जाता है, द आर्टफुल ड्रॉजर के नाम से जाना जाता है। इसका रियल नेम कुछ और होता है, आर्टफुल डॉजर्स के नाम से, ठीक है, आर्टफुल डॉजर्स के नाम से जाना जाता है। और एक इसी में चार्ल्स वेट्स करके भी है, चार्ल्स वेट्स। आर्टफुल डॉजर की बात करें तो फेजिन का मोस्ट एडेप्टेड पिक पॉकेट होता है, ये पॉकेट मारने के काम में जो स्पेशलिस्ट होता है, कहने का मतलब है, ठीक है, ये फेजिन के यहाँ, फेजिन यानी कि जो वॉइस को क्या करने का काम सिखाता है, पिक पॉकेट करने का। तो उसमें आर्टफुल डॉजर जो है ये इसमें जो है इनका एडेप्ट पिक पॉकेटर होता है। और चार्ल्स बेट्स की अगर बात की जाए तो अ पिक पॉकेट इन फेजिन्स गैंग, ये भी चार्ल्स बेट्स जो है ये भी इनके जो बॉयज के पिक पॉकेट गैंग का एक क्या रहता है, ये भी एक मेंबर ये भी है, ठीक है, चार्ल्स बेट्स। एक नैन्सी करके यहाँ पे करेक्टर है, नैन्सी करके करेक्टर है, वन ऑफ द फेजिन्स गैंग, नाउ लिविंग इन विल साइक्स, लिविंग विद विल साइक्स, यानी कि जो किसके साथ रह रही है, विल साइक्स के साथ। एक करेक्टर और है मॉन्क्स करके, मॉन्क्स एक सीक्रेट क्रिमिनल इसको माना जाता है, और एसोसिएट्स ऑफ फेजिन्स एंड लॉन्ग लॉस्ट हाफ ब्रदर ऑफ ओलिवर, ये मेन पॉइंट है, हाफ ब्रदर ऑफ ओलिवर। हाफ ब्रदर ऑफ ओलिवर ये पूछा जाता है कि हाफ ब्रदर ऑफ ओलिवर कौन है, मॉन्क्स करके, ठीक है।
और मिस्टर फेंग करके एक मैजिस्ट्रेट करके है इसमें, मिस्टर फेंग करके भी एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, मिस्टर फेंग ये एक मजिस्ट्रेट है, क्या है मजिस्ट्रेट, ठीक। ये मेन मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और इसी में हमने एक नो नाम का जो कैरेक्टर जिसमें हमने कंपेयर भी कराया था, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस के बेस पे हम वो करेंगे। तो ये अब्यूज करता है किसको, चार्ल्स डिकिंस, सॉरी ओलिवर ट्विस्ट को अब्यूज करता है, मदर से अब्यूज देता है, यानी कि माँ की गाली देता है, जिस कारण जो है ओलिवर ट्विस्ट जो है बहुत गुस्सा हो जाता है इससे, ठीक। वो भी आगे आपको इसी में क्वेश्चन के बेस पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बेस पे। व्हाट इज रिवॉर्ड ऑफर्ड फॉर टॉकिंग ओलिवर ट्विस्ट, तो चार ऑप्शन यहाँ पे हैं हमारे पास, 10 पाउंड्स, 5 पाउंड्स, और जॉब एट द वर्क हाउस ऑफ फ्री कॉफिन्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 पाउंड्स। व्हाट डज द वर्क हाउस सिम्बोलाइज इन द स्टोरी, वर्क हाउस क्या सिम्बोलाइज करता है इस स्टोरी में, होप एंड सेल्वेशन, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी एंड डिस्पेयर, और फैमिली एंड कम्युनिटी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमें बताना है। तो पॉवर्टी एंड डिस्पेयर यहाँ पे ये शो करता है, ठीक है, सिंबलाइज करता है, जैसे कि आपको पता है पुअर पीपल वहाँ पे रहते हैं जिनके पास ना तो मनी है ना खाने को कुछ है, पुअर का हाउस की बात करें तो। और चार्ल्स डिकिंस जो हैं ये किस टाइप के पोएट हैं, किस टाइप के वर्क्स लिखते हैं, अधिकतर आपको पता होगा सोशल इनइक्विटीज इनके वर्क्स में आपको देखने को मिलेगी, इनइक्विटीज इन इक्विटीज, ठीक है, सोशल इनइक्विटीज इनको इनके वर्क्स में देखने को मिलती है, सोशल इनइक्वालिटी जिसको हम बोल सकते हैं, कहने का मतलब है सामाजिक असमानता या पक्षपात यहाँ पे देखने को मिलता है, बोल सकते हैं नाइंसाफी, जैसे कि आपको हमने एक वर्क बताया था मुल्कराज आनंद का अनटचेबल करके, उसमें भी वही वर्क दिखाया जाता है, तब इनको कंपेयर किया जाता है किसको, मुल्कराज आनंद को किसके साथ, चार्ल्स डिकिंस के साथ, क्योंकि ये समाज में चल रही व्याप्त बुराइयाँ और जो नाइंसाफी है, जो पक्षपात होते आ रहे हैं, उनके बारे में ये अपने वर्क्स के जरिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या कर बोल सकते हैं, आयरनी और सटायर टाइप का अगर लिखते हैं टू क्रिटिसाइज, बोल सकते हैं सोशल इनइक्विटीज के बारे में, तो चार्ल्स डिकिंस और मुल्कराज आनंद की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20th है हमारे पास, व्हाट डज ओलिवर्स बर्थ इन वर्क हाउस सिग्निफाई, जो ओलिवर का बर्थ है वर्क हाउस में वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ को महत्व देता है, अ न्यू बिगिनिंग, इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी, होपलेसनेस एंड अबेंडनमेंट, जॉय एंड सेलिब्रेशन, चार ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20th का आंसर हमें बताना है। तो होपलेसनेस एंड अबेंडेंट को ये यहाँ पे सिग्निफाई करता है, क्वेश्चन नंबर 20th का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21st हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। होप हाउ डज द ट्रीटमेंट ऑफ ओलिवर एंड अदर वर्क हाउस बॉयज रिफ्लेक्ट सोसाइटल एटीट्यूड टूवर्ड्स पॉवर्टी, तो अ कंपेंशन एंड सपोर्ट इन डिफरेंस एंड नेग्लेक्ट, फेयरलेस एंड इक्वलिटी, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा इनडिफरेंस एंड नेगलेक्ट। इनडिफरेंस वन वर्ड है, इनडिफरेंस डिफरेंस अंतर होना, इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता से मतलब होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं चार्ल्स डिकिंस से रिलेटेड उनके बारे में। चार्ल्स डिकिंस रिप्रेजेंटेटिव नोबलिस्ट हैं, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नोबलिस्ट हैं विक्टोरियन एज के। विक्टोरियन एज के अगर रिप्रेजेंटेटिव नोबलिस्ट की बात की जाए तो कौन है, चार्ल्स डिकिंस हैं, और पोएट की बात की जाए रिप्रेजेंटेटिव पोएट तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि हमने ऑलरेडी जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनका जो चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस नोबल ऑफ चार्ल्स डिकिंस,
मेन पॉइंट क्या है, जो चार्ल्स डिकेंस का जो एक वर्क है, वर्थलेस नोवेल इनका जो माना जाता है, वो कौन सा है? चार्ल्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड करके। और इसके अलावा कुछ अदर वर्क्स की अगर बात करें तो इनके जो मेन मेन वर्क्स हैं, जिसमें पिकविक पेपर्स हमने बात की, जो कि इनका पहला नोवेल माना जाता है, ठीक है, पिकविक पेपर्स पहला नोवेल माना जाता है, हम शॉर्ट में लिखेंगे। दूसरा वर्क पिकविक पेपर्स जो है 1837 में आया है। ओलिवर ट्विस्ट की अगर बात की जाए, ओलिवर ट्विस्ट जो आ रखा है 1838 में आ रखा है। इसके बाद इनका अ क्रिसमस कैरोल करके, अ क्रिसमस कैरोल करके भी इनका एक वर्क है, जो कि 1843 में आ रखा है। डेविड कॉपरफील्ड, कौन नहीं जानता इनका एक वर्क है, डेविड कॉपरफील्ड, जो कि हमने डिस्कस भी कर रखा है, जिसके बारे में जब हम 1850 के वर्क्स को डिस्कस कर रहे थे, 1850 में पब्लिश होने वाले वर्क्स हमने डिस्कस कर रखे हैं अलग से वीडियो बना के, 1817 के वर्क्स की अलग से। आपको एयर वाइज भी जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट पे आपको इसके लिए विजिट करना पड़ेगा। ब्लीक हाउस करके है इनका एक, एक इनका ब्लीक हाउस करके है, जो कि 1853 में आ रखा है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये वर्क तो कौन भूल सकता है इनका, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन करके एक वर्क इनका है, ठीक, तो जो कि 1861 में आया हुआ है। तो ये थे इनके मेन मेन वर्क्स। इसके अलावा अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज करके आपने सुना होगा, अ टेल ऑफ टू सिटीज। अब इसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है टू सिटीज कौन कौन सी हैं, लंदन एंड पेरिस हैं, ठीक है, लंदन एंड पेरिस हैं, ये पेरिस फ्रांस वाला पेरिस है, ठीक है, ये अभी ये वाला पेरिस नहीं है जो आपने यहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट में पढ़ा था, ठीक, लंदन एंड पेरिस करके हैं ये, अगेंस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे की स्टोरी सेट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि लेट 18th सेंचुरी हम बोल सकते हैं, 1789, आपने सुना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसका अगर बात करें मूल मंत्र जो नारा है, स्लोगन है, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ऐसे करके कुछ है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी करके है, ठीक, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट ये जो है स्टोरी इसकी सेट है, किसकी, अ टेल ऑफ टू सिटीज करके, चार्ल्स डिकेंस का ही एक वर्क है। तो ये थे मेन मेन वर्क्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो है चार्ल्स डिकेंस के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने ओलिवर ट्विस्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।